हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ आज फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो लेकर, और इसमें मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हर बार होता है, मैं आधी मेकअप करती हूँ, आधी मेकअप मेरी सिस्टर करती है, तो वही आज होने वाला है, क्योंकि फुल जो आई मेकअप होता है वो मुझे नहीं आता। और आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ग्लैम, बहुत ही सुंदर, जैसे कि आपने देख लिया, मैं वो मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, तो पहले मैं CTM रूटीन से स्टार्ट करूंगी। मैंने अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं देख सकते आप मेरे स्किन पे। तो चलिए पहले प्रेफ कर लेते हैं स्किन को बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद ही मेकअप करनी चाहिए। जैसे कि विंटर टाइम है, तो विंटर में जैसे कि स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, हाइड्रेट्स। तो मैं पॉन्ड्स का जो सुपर लाइट जेल है, ये अभी फिलहाल के लिए विंटर में नहीं इस्तेमाल करूंगी। मैं इस बार कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। गाइस, टोनर मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, और नॉर्मल मैंने गुलाब जल लगाया है। आप चाहो तो अपना जो भी टोनर है आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये एलोवेरा का छोटा सा सिंपल सा जेल है, मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी जेल है, तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ कुछ दिनों से। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन पे बहुत अच्छा सूट किया है। तो पहले मैं इससे स्टार्टिंग करूँगी, और तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट है इसमें, एक स्किन को बहुत अच्छी तरीके से कूल टाइप का एक इफेक्ट देता है। आप बोले आई एरिया को भी अच्छे से हाइड्रेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आई एरिया को भी हाइड्रेट कर लिया है। जी हाँ, ये जो बॉडी लोशन है डव का है, नरिश्ड रेडियंस बॉडी लोशन, तो यही वाला मैं अपनी स्किन पे अभी लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है फॉर द बॉडी एंड फॉर योर स्किन, फेस के स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। थोड़ा सा अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर, स्किन को ना हल बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट जब तक नहीं करोगे ना, तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। तब मुझे मालूम नहीं था ना कि स्किन को पहले मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। गाइस, गले में भी, तो ये वाला मैं जो है लिप बाम अपने लिप पे लगाऊंगी। सबसे पहले आईब्रो कर रही हूँ, आईब्रो फिलिंग हो रही है इससे। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था, ये डार्क ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन, एकदम ज्यादा डार्क भी नहीं है, बट हाँ अच्छा खासा कलर है। देख सकते हो आप, क्रूर सीन का आईब्रो बन चुका है, ठीक है। अब मैं, ये मेरा आईब्रो एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये दूसरा वाला आईब्रो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ में, मेरा आईब्रो जो है ना यहाँ का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मेरी सिस्टर ठीक करी। हाय, मेकअप कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ फेस को भी मेकअप करने वाली हूँ। ले ले, 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 ले। सो गाइस, अभी तक फिलहाल के लिए मेरा इतना ही मेकअप हुआ है, अभी आईब्रो बना है जस्ट। टाटा। और आईब्रो बनाते वक्त हमेशा एक चीज, एक बात का ध्यान रखें कि आपका जैसा आपका हेयर कलर हो ना, वैसा ही कलर का आप आईब्रो बनाए, नहीं अननेचुरल दिखता है। कंसीलर लगाया है नीचे, अब ऊपर साइड में भी लगा रही है। सो गाइस, मेरा दोनों आईब्रो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से मेरे सिस्टर ने डिफाइन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आईब्रो बन चुका है। आई मेकअप होने वाला है मेरा, आईब्रो के बाद आई मेकअप। तो गाइस, आई मेकअप करने के लिए पहले आई लिड पे बहुत अच्छी तरीके से हमको कंसीलिंग करनी है। तो कंसीलर के लिए मेरे पास कोई भी अच्छा कंसीलर नहीं है फिलहाल के लिए,
तो मैं ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये मिलानी का कंसील परफेक्ट फाउंडेशन है, तो इसी से भी मैं अपने आई लिड को कंसीलिंग करूँगी। साइड का कंसीलर अच्छे तरीके से लग चुका है, साइड में भी लगाएगी। वो दोनों आई में कंसीलर बहुत अच्छी तरीके से मेरी बहन ने अप्लाई कर दिया है, तो अब हम आई मेकअप करने वाले हैं। तो चलो, शादी सीजन के लिए मैं कर रही हूँ, मतलब शादी के लिए कर रही हूँ, ब्राइडल मेकअप है ये, तो इसीलिए जो मेरा आई मेकअप होगा वो भी ब्राइडल टाइप का ही होगा। ये कलर में थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके और थोड़ा सा पीच कलर मिक्स करके व्हाइटिश कलर शेड में लाइट करके बना रही हूँ, हमारे पास ये सारे सेट नहीं है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एकदम ज्यादा ब्राउनिश और पिंक के शेड दिया गया है। कंसीलिंग कर रही है मेरी बहन यहाँ पे कट क्रीज करने के लिए। एक गोल्डन कलर हम दे रहे हैं, मेटालिक गोल्डन कलर। मेटालिक गोल्डन कलर दे रही हूँ। देख सकते हो आप गोल्डन कलर का और ये ब्राउनिश पिंक कलर है ऊपर में, कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है। मेटालिक फॉल्स गए हैं तो उसको मैं क्लियर कर लूंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क शेड यूज कर रहे हैं आउटर आई वी पे। देख सकते हो आउटर आई वी पे कितना सुंदर कलर किया है। आउटर आई वी देख सकते हो हो चुका है। अब फाउंडेशन लगाना है। ब्राउन कलर थोड़ा सा फॉल हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके क्लीन कर लूंगी वाइप से, वेट वाइप। पहले भी कहा था, चलिए मॉइस्चराइज कर लेते हैं स्किन को अच्छी तरीके से। मैंने अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर ली अपने स्किन। तो गाइस, जैसे कि ये ब्राइडल मेकअप हो रहा है, इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब हाई कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए था, तो हाई कवरेज वाला कोई भी फाउंडेशन मेरे पास नहीं है इसको छोड़ के। तो मिलानी का ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है फॉर द ब्राइडल मेकअप के लिए भी, तो मैं इसको यूज करूंगी। नेक एरिया को ना भूले तो मैं नेक एरिया पे भी फाउंडेशन थोड़ा बहुत लगा देती हूँ। ये मेरा फाउंडेशन ब्रश, तो इससे ही मैं लगा लेती हूँ, फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। फाउंडेशन को ब्लेंड करना भी ना एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट काम है। मैं अपने फेस को भी कंटूरिंग करूंगी क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेप देने के लिए। तो मेरे पास ये सिवाना का पैलेट है, इसमें ये जो ब्राउनिश कलर है इसको लेकर मैं कंटूर करने वाली हूँ। लगा लेते हैं, कंटूरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये जो बहुत अच्छी तरीके से कंट्यूर हो चुका है और कई लोग हाईलाइट यूज करते हैं, चलिए अब मैं हाईलाइट कर लेती हूँ पाउडर से अपने।
देख सकते हैं आप, मैं अपनी नोज को कंटूरिंग कर चुकी हूँ। तो लोअर लैश लाइन पे वही कलर दे रहे हैं जो मेरा आउटर वी में है। गाइस यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे मैं ये ब्राउनिश कलर लग गया है। अब यहाँ पे हम गोल्डन कलर लगाने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर लीड पे है ना, वही वाला गोल्डन कलर यहाँ आएगा। तो गाइस मेरा मेकअप जो है, आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और ये मेकअप को भी मैं, फेस मेकअप को भी मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं किया ब्यूटी का ये वाला जो कॉम्पैक्ट है, इसे सेट कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ ताकि वो विंटर वाला जो लुक ग्लॉसी ग्लॉसी है वो भी ना रहे, वो भी ना हटे। और थोड़ा सा नोज़ एरिया के आसपास जो है बहुत ज़्यादा ऑयल आता है इस एरिया पे, तो इसलिए मैं इस एरिया पे लगा ली। सिवाना का हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो हो गया मेरा हाइलाइटर। के लिए पहले, सबसे पहले जरूरी है लिप लाइनिंग करना, तो मैं पहले लिप लाइनिंग कर लेती हूँ ऑफ कैमरा में, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मूव कर लेती हूँ, मैंने पूरा लिप ग्लॉस रिमूव कर दिया, अब लिप लाइनिंग करती हूँ। तो गाइस लिप लाइनिंग मैंने कर ली है ब्राउन कलर से, और मैं इसके अंदर लिपस्टिक सोच रही हूँ मैं कौन सा कलर का फिल करूँ। तो लिपस्टिक मैं डिसाइड करके लगा के आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने लिप कलर जो है वो लगा लिया है, आप देख सकते हो। मुझे खास करके हमेशा ऑलवेज मुझे इसी तरह का लिप कलर पसंद आता है। गाइस लाइनर लगाना है, तो लाइनर लगा के मिलती हूँ। गाइस ये मस्कारा लगा रही हूँ, मेरे पास यही है मस्कारा लगा लिया आपने, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैट लिप लुक अच्छा नहीं लग रहा है, विंटर है तो थोड़ा सा जो है ग्लॉस लगाऊंगी। ये ग्लॉस मी का है, और आपको नीचे नहीं लगाना, जस्ट ओनली जब भी ग्लॉस लगाए, क्योंकि ये नीचे की तरफ आता है, तो हमेशा इसमें कोशिश करें। तो गाइस मैंने फॉल्स लैसेस लगाए हैं फर्स्ट टाइम, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कैरी, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, अच्छा ही है। ओ ये ज्वेलरी की बात आती है, तो ज्वेलरी वगैरह पहन के आपको पूरा ऑल ओवर लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई भी मेकअप आर्टिस्ट के पास गए हो, आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस बोल रहे हो, और आपके पास कोई भी आइडिया नहीं हो, तो खुद की शादी में खुद से मेकअप कर लीजिए, जैसे कि मैंने की है। अपनी शादी में खुद रेडी हो जाइए, जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और कुछ ज़्यादा हाईली रेंज के प्रोडक्ट जो है मैंने यूज़ नहीं करे हैं, मैंने सिंपल सिंपल प्रोडक्ट ही यूज़ करे। पार्लर में इतने ज़्यादा पैसा दे कर भी आप वो मेकअप लुक अचीव नहीं कर पाते हो जो कि आपको चाहिए होती है। और अगर हम खुद से मेकअप करना सीख जाए, खुद से पार्लर जैसा मेकअप करना स्टार्ट कर दे, तो हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी शादी में अपनी मेकअप लुक जो है खुद क्रिएट कर सकते हैं। बट ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए हम पार्लर जाते हैं, वो 10,000 20,000 25,000 50,000 कभी कभी 1-1 लाख भी बताते हैं। तो मैं बस ये लुक इसलिए शेयर करना चाहती थी ताकि आप लोग की थोड़ी सी हेल्प हो जाए किस तरह।